सिद्धार्थनगर के लगुनही गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए जमीन को मिट्टी से पाटकर सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर कब्जा कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो इस सड़क के लिए प्रशासन की ओर से कोई अनुमति भी नहीं दी गई है। ग्राम बेलवा लगुनही विकासखंड खसराहा में एक गड्ढा है जो जिसका रकबा है 307 नंबर 307 है। उससे जो है एक व्यक्ति के लिए रास्ता निकाला जा रहा है, निकाल करके उसमें GCB लगा करके कम से कम 30-35 ट्राली से मिट्टी लगातार डाली जा रही है और डाल करके उनके घर तक ले जाया जा रहा है। और जबकि हमने खंड विकास अधिकारी से वार्ता किया तो खंड विकास अधिकारी ने भी कहा कि हमारे यहाँ से कोई स्वीकृति नहीं हुई है, ना मनरेगा से हुई है, ना राजवित्त, ना 14वीं से कोई स्वीकृति नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि एक व्यक्ति के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। गढ़ही को पाट करके चारों तरफ से रास्ता वहाँ आने के लिए एक आदमी के रास्ता बनाने के लिए केवल पाट रहे हैं, भूमाफिया पाट रहे हैं और कौन पाट रहे, जबकि संस्था नहीं पाट रही तो भूमाफियाओं का पाट। वहीं ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत DM से की, जिसके बाद DM ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये सही है, इस तरह के तमाम शिकायतें प्राप्त हुई हैं, चक्रोड पे कब्जे की बात है, गड्ढे में बात है, तालाब पर बात है, उन सबके लिए हमारे यहाँ से टीमें जाएंगी लेखपालों की, और जहाँ पे विवाद होगा तो पुलिस भी जाएगा वहाँ पर और इन सब कब्जों को हटाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जमीनों पर हो रहे कब्जे हटाए जाएंगे या कब्जेधारी इसी तरह जमींदारों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे। पंजाब केसरी TV के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट।